दोस्तों 80 के दशक में बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी अभिनेत्रियां रही जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर बॉलीवुड पर राज किया। ऐसी ही एक अभिनेत्री हैं जया प्रदा। जया प्रदा एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ हैं। वो 80 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक है। उन्होंने तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मराठी फिल्मों में अभिनय किया है। लेकिन बहुत सी अभिनेत्रियों की तरह ही जयप्रदा ने भी अपना करियर बीच में ही छोड़ दिया। लेकिन उनके करियर छोड़ने की वजह शादी नहीं बल्कि कुछ और ही था। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको जयप्रदा के उस वजह से रूबरू करवाने वाले हैं जिस वजह से उन्होंने अपना सफल करियर बीच में ही छोड़ दिया। और साथ ही आज हम आपको जयप्रदा की आज की तस्वीरों से भी रूबरू करवाएंगे जिनमें आप इन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। लेकिन इससे पहले इनके शानदार अभिनय के लिए एक लाइक तो वीडियो पर बनता है। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश में हुआ। तब इनका नाम ललिता राजामुंदरी था जो बाद में बदलकर जया प्रदा रख दिया गया। उनके पिता कृष्ण राव तेलुगु फिल्म वेताय दाता थे और जया प्रदा ने अपनी पढ़ाई तेलुगु माध्यमिक स्कूल से पूरी की और साथ ही कम उम्र में नृत्य और संगीत की शिक्षा भी हासिल कर ली। जब जया 14 साल की थी तब उन्होंने अपने स्कूल में नृत्य प्रदर्शन किया। वहीं पर दर्शकों के बीच एक फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता के बी तिलक मौजूद थे। उन्होंने जया को 1976 की तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में एक छोटा सा रोल ऑफर कर दिया। अपने परिवार के प्रोत्साहन की वजह से जया ने उस रोल को स्वीकार कर लिया। 1979 में जया ने बॉलीवुड में सरगम फिल्म से डेब्यू किया। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई लेकिन उस वक्त उन्हें हिंदी नहीं आती थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी सीखी और सन 1982 में रिलीज हुई फिल्म कामचोर में उन्होंने पहली बार हिंदी पूरी तरह से बोली। इसके बाद वो लगातार हिंदी फिल्मों में काम करने लगी। लेकिन 1984 में रिलीज हुई फिल्म शराबी फिल्म में दर्शकों को अमिताभ बच्चन और जया प्रदा की जोड़ी बेहद पसंद आई। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद उनका नाम भी बड़ी हीरोइन में शुमार होने लगा। इस प्रकार अब तक उन्होंने 7 भाषाओं में अभिनय किया है और 30 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1986 में उन्होंने पहले से ही शादीशुदा निर्माता श्रीकांत नाहता से शादी की। वर्ष 1994 में वो तेलुगु देशम पार्टी TDP में शामिल हुई। राजनीति में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपने करियर के शीर्ष पर फिल्म उद्योग को बीच में ही छोड़ दिया। एक जमाने में खूबसूरत दिखने वाली जया आज वक्त के साथ बहुत बदल चुकी है। आज उनकी उम्र का असर उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। इनके फैंस तो आज की इनकी तस्वीरें देखकर पहली नजर में ही पहचान नहीं पाए होंगे। दोस्तों आपको जया प्रदा की कौन सी फिल्म सबसे बेहतरीन लगती है उस फिल्म का नाम हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड के गुमनामी चेहरों की खबर सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।